बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो आएँ अपने खूबसूरत से व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज जब मैं सुबह सुबह उठी, मैंने अपनी विंडो का कर्टन पीछे किया तो बाहर इतना वाइट, इतना प्यारा, इतना हसीन मंज़र कि मुझे बड़ा मज़ा आया। तो मैंने विंडो में से वीडियो कैप्चर करने की बजाय मैं नीचे आई, डोर ओपन किया और अपने डोर में खड़े होकर तो मैंने कहा मैं आराम सुकून से वीडियो बनाऊँ, सारा व्यू कैच करूँ, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था। अल्लाह, इन्नी सर्दी, इन्नी सर्दी, इन्नी ठंड होगी ये, इन्नी ठंड होगी ये, मेरा तो नानू जी नहीं करता। इतना मंजर हसीन लग रहा था कि हर तरफ वाइट वाइट रुई की तरह ऐसे लग रहा था। इवन नाइट टाइम हो, अंधेरा हो, तो तब भी सारा कुछ ऐसे वाइट वाइट लग रहा होता है। यूके में सर्दी इतनी ज़्यादा आजकल पड़ रही है कि उसके साथ साथ दिल करता है कि मज़े मज़े के खाने हो। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, तकरीबन 8 बजे का टाइम था, तो मेरा दिल कर रहा था कि आज थोड़ा डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट हो, कुछ मज़े का हो, कुछ चटपटा हो। तो मैंने सोचा चलें जी आएँ इजी सा ऑमलेट बनाते हैं और आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं, जिसके लिए मैंने सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स ली हैं। और सबसे पहले मैंने क्या किया, फ्राई पैन में ऑयल गर्म हो चुका था, इसमें मैंने प्याज डाला और प्याज को मैं अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लूँगी। तो ठंड में खाने के चस्के लगाने का अपना ही मज़ा है, बंदा आराम सुकून से सर्दी में अंदर बैठ के मज़े मज़े के खाने इंजॉय करे। तो यहाँ पे मेरे जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके थे, मैंने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला और रेड चिली पाउडर डाला, साथ में थोड़ी सी क्रश चिली डाली। बाहर सर्दी इतनी ज़्यादा थी और विंडोज़ बंद थी तो ये मिर्चें मेरे नाक में घुस गई, तो मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, क्योंकि मिर्चें जब जल रही हों तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा वो हेडेक देती हैं। तो बस इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाली और गरम मसाला और सूखा धनिया वो भी ऐड करके, तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। और टमाटर ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से भून के इसकी ग्रेवी टाइप सा मसाला बना लूँगी। बहुत ही आसान सी सादा सी रेसिपी है, इसमें कोई मुश्किल इतनी बड़ी बात नहीं। ऑमलेट तो हम लोग वैसे भी बनाते रहते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में हो जाए तो फिर उसका भी अपना ही मज़ा है। तो बस यहाँ पे जब थोड़ी सी ग्रेवी टाइप मसाला बन गया तो मैंने इसके अंदर आलू जो हैं वो भी ऐड कर दिए और इनको भी मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी ताकि ये इसमें अच्छी तरह से गल जाएं। चलें जी, साथ साथ तो ऑमलेट बनता रहेगा, साथ साथ गपशप भी चलती रहेगी और वेदर को लेके ही हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि सिर्फ यूके में नहीं, मेरी पाकिस्तान भी बात हो रही थी तो सुनने में यही आया था कि इतने दिन हो गए सूरज ही नहीं निकला और इतनी ज़्यादा सर्दी और धुंध पड़ रही है। तो मैं कहती हूँ कि सलाम है उन लोगों को जो इतनी ठंड में निकलते हैं और जॉब्स करने के लिए जाते हैं। चले मैं तो अभी घर से नहीं निकलती, मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो लेकिन बाहर निकलें तो फिर सही पता चलता है कि ठंड है, बहुत ज़्यादा है। घर में तो आराम सुकून से बंदा हीटिंग लगा के बैठा रहे गर्म हाय वार्म होके, तो बाहर निकले तो फिर ही असल पता चलता है। तो ये देखें, साथ साथ मेरा मसाला भी जो है वो बड़ी अच्छी तरह से रेडी हो चुका था, आलू जो हैं वो भी गल चुके थे। अब मैं फ़ाइनल स्टेप इसमें कर रही हूँ, इसमें मैं एग्स डाल रही हूँ। लेकिन एक बात याद रखें कि इन अंडों को आपने तोड़ना नहीं, इसमें मिक्स नहीं करना, जैसे हम लोग फ्राई एग बनाते हैं इसको बस उसी तरह बनाना है। तो इसमें मैंने अंडे डालने के बाद ऊपर धनिया और हरी मिर्च थोड़ी सी छिड़क दी और ढक्कन लगा दिया था 5 मिनट के लिए। नीचे से चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। ये जो एग हैं इसी स्टीम में फ्राई हुए हैं, ये देखिए थोड़ा सा मैंने आपके सामने मैं तोड़ रही हूँ तो कितना ही ज़बरदस्त सा ये जो एग है रेडी हो चुका है, फ्राई हो चुका है। तो आराम सुकून से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, पोर्शंस बना लूँगी सबके अलग अलग। और यकीन करें बहुत ही मज़े का बना था, ईजी सी रेसिपी है, इसको 10 मिनट भी नहीं लगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी सारे लोग तो ये अपने घरों में बनाते भी होंगे। तो आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। यकीन करें अभी जब ये मैं वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरा एक बार फिर से दिल कर रहा है कि मैं इसको खाऊं।
तो यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड सीड्स वाली जो है उसको टोस्ट किया और उसके साथ ही खाने लगी थी। सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी थी, मैंने और वसीम ने ब्रेड के साथ खाया था, हतीजा ने पराठे के साथ खाया था, हर एक की अपनी चॉइस थी। तो बस मेरा आज का यही छोटा सा व्लॉग था, यही छोटी सी रेसिपी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हमेशा की तरह आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस आजकल तो सर्दी की वजह से चाहे वो पाकिस्तान है चाहे यूरोप कंट्री है, हर जगह मुझे लगता है गाजरें बन रही होंगी, हलवे बन रहे होंगे, पंजीरियां बन रही होंगी, बस सर्दी की यही सौगातें हैं, साग बन रहे होंगे। तो मैं भी इंशाल्लाह बस यही चीज़ें आपने नेक्स्ट व्लॉग्स में बनाती रहूँगी, आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मैंने भी यही प्लान किया है कि चलें जी सर्दी है तो इन चीज़ों को बनाया जाए और क्यों ना इन्जॉय किया जाए। तो ये देखें फाइनल लुक आप लोगों के सामने है, लग रहा है ना यमी यमी, दिल कर रहा है कि प्लेट में से उठा के बस फटाफट यम यम कर जाएं। तो चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने खूबसूरत से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।